नीलकंठ वर्णी हो? जी पुजारी जी। अरे प्रभु, जब भी आपको याद करता था तब चिंता होती थी कि आप किस हाल में होंगे, जीवित भी होंगे या नहीं। जाते समय मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगा, सो आ गया। परंतु आपका शरीर? कितना दुबला पतला हो गया है। चलिए सबसे पहले कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। आइए प्रभु पधारिए, यहां से चलिए प्रभु, इस तरफ से पधारिए। मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहां ज्योतिर्मठ में किया था और वहां से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहां कर रहा हूं। अकल्पनीय। वहां ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। मुमुक्षुओं के भावों को परख कर उन्हें अपने संबंध से कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहने का नित्य क्रम नीलकंठ वर्णी ने अखंड रखा था। उनके साथ उनकी जगहों पर उनके ही जैसे बनकर रहते हुए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग परम कल्याण के लिए होना चाहिए, नाशवंत भौतिक सुखों के लिए नहीं। और कभी प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने का योग न रहे तो अपनी स्मृतियों और वचनों के सहारे कल्याण के मार्ग पर चलते रहने का सुयोग करवाते हुए। प्रभु आपने कहा था कि आपकी यात्रा कल्याण के लिए है, परंतु आपकी इतनी कष्टदायक यात्रा से किसी का कल्याण कैसे होगा? इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अनेक मुमुक्षु हैं जो सच्चे भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं। मुझे यात्रा करके उनसे भेंट करनी है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना है। दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं पर इतना कष्ट? नीलकंठ, आपकी यात्रा सच में कल्याण यात्रा ही है। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा ध्यान रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा नीलकंठ वर्णी। शुभम भवतु। प्रणाम। गंगा के प्रवाह समान अविरत और गतिशील ऐसी अपनी कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ से गंगोत्री जाने के लिए बढ़ चले, और वो भी कोई सीधा सादा रास्ता न चुनते हुए बद्रीनाथ से सीधे गंगोत्री जाने के अति विकट मार्ग पर
बर्फ की समाधि जैसे प्रदेश में बर्फ की आंधियों, बर्फ के प्रपातों और बर्फ के तांडवों को पार करते हुए। कंठवर्णी गंगा जी के उद्गम स्थान गौमुख आ पहुंचे। गंगोत्री आ पहुंचे और वहां से हरिद्वार आ पहुंचे। सर्वोत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार दुर्लभ मनुष्य देह का उपयोग कर लेना चाहिए। नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे अयोध्या में, जहां से लगभग एक साल पहले उन्होंने अपनी इस कल्याण यात्रा का प्रारंभ किया था। जिसकी गली गली में नीलकंठ वर्णी के बाल घनश्याम स्वरूप की अनेक स्मृतियों के भंडार भरे हुए थे, उस अयोध्या नगरी में सब कुछ पूर्ववत यथावत लग रहा था। अरे भाई, इधर उधर मत देखो, काम में ध्यान दो, ये मेरे सर पे रख दो। अब जाओ। क्या सोच में पड़े हो महाराज? सोच रहा हूं कि ये संसार का चक्कर भी अजीब है, हर कोई अपने कारोबार में लगा पड़ा है, शायद ये सोचकर कि उनके बिना सब कुछ अटक जाएगा। पर सच तो ये है कि यहां एक दिन हर एक को अटक जाना है, और यहां से अटक कर वहां चले गए, फिर यहां का क्या? कुछ खास नहीं, थोड़े दिनों का विरह, थोड़ा रोना धोना, थोड़ा शोक, और उसके बाद वही उद्यम, सब कुछ यथावत, जैसे थे वैसे। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने, इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वैसे यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा? बताओ भाई। यहाँ से उस तरफ वंशीपुर है, और वहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ते चलिए। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ, चलो चलो, भोजन तैयार है। प्रणाम। न
नीलकंठ वर्णी ने लगभग एक साल पहले अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा का प्रारंभ करते हुए सरयू नदी में कूदकर उसे पार करके जाने का मार्ग अपनाया था और आज अयोध्या से मुक्तिनाथ की ओर जाने के लिए भी उन्होंने वही मार्ग अपनाया। सरयू नदी को पार करके मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी हरैया गांव में आए।